नमस्कार, मेरा नाम सार्थक भंडारी है। मैं आज आपको स्टोरी ऑफ नंबर सिस्टम सुनाने जा रहा हूँ। नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, होल नंबर्स 0, 1, 2, 3, इंटीजर्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, फ्रैक्शंस 1/2, 7/8, 9/6 एक्सेट्रा। रेशनल नंबर्स 1/-2, -2/5, -25 एक्सेट्रा। अब मैं आपको स्टोरी ऑफ नेचुरल नंबर सिस्टम सुनाने जा रहा हूँ, मेरी फैमिली के स्टोरी से रिलेटेड। और अब मैं स्टार्ट करता हूँ। नेचुरल नंबर्स मतलब एक काउंटिंग नंबर, पूरी जो एक फैमिली थी जो जुड़ी हुई थी। हमारे जब दादा परदादा के टाइम थे तब हम एक ही घर में 200 लोग रहते थे, यानी कि नेचुरल नंबर्स की तरह यूनाइटेड रहते थे। फिर होल नंबर्स आए। होल नंबर्स मतलब होल ही मतलब गोल होता है। गोल मतलब एक चीज़ में छेद कर देना, वो जीरो ही खोखला कर देना होता है। तो उसने क्या किया, फिर हमारी फैमिली में नेगेटिविटी आई। नेगेटिविटी के कारण हमारे जीरो से खोखला हो गया। फिर आए इंटीजर्स। इंटीजर्स से क्या हुआ, इंटीजर्स तक हमारे आते आते जो एक फैमिली में 100 लोग रहते थे वो 10 to 20 हो गए थे। इंटीजर्स तक आते आते माइनस माइनस हो गए थे आते वहाँ तक। फिर अगला है हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस तो और इससे भयंकर निकला। वो उसने तो पूरे एक रूम में जो रहते थे, मतलब जो एक अकेला घर था उसमें दो दो रूम डिवाइड कर दिए थे एक 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 जने के। अब वो एक साथ नहीं रह सकते थे, नेगेटिविटी के कारण ऐसा हो गया था। और फिर रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर्स तो और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गए। इसमें ये सब एक साथ इसी में आ गए थे, फिर भी इससे हम और डिवाइड करते चले। जो आधे से भी बहुत कम हो गए, इसलिए हमें रेशनल नंबर से भी इसलिए खतरनाक है। और फिर अब आपको मैं बताता हूँ, जो अभी कोविड का चल रहा है सिनेरियो, उसमें जो हम फ्रैक्शंस पे आते हैं तो मतलब कोविड के हिसाब से जो भी लोग थे उनको एक रूम में बंद कर दिया जाता है। वहाँ ना कोई जा सकता है, ना कोई आ सकता है वहाँ से बाहर, ना उनसे कोई बातचीत कर सकता है। और हमें उन्हें खाना पीना भी गेट के बाहर ही देना पड़ता है। तो अब रूम डिवाइड हो गया है हर एक बंदे के लिए फ्रैक्शन में। और एक कोविड ही नेगेटिविटी बस है, और नेगेटिविटी से ही हमको रेशनल नंबर्स तक लेकर आए। तो हमें यूनाइटेड रहना चाहिए। और मैं आपको आज जो चल रहे हैं न्यूज़ वो भी बताता हूँ। जो उदयपुर में दुर्घटना हुई थी उसके हिसाब से टेरर बन चुका है, इसलिए अब हमें दोबारा से यूनाइटेड रहना होगा। और यूनाइटेड नेशनल नंबर तक नहीं जाना है, हमें दोबारा से नेशनल नंबर ही जाना है, जहाँ पे जो पूरी 200 जनों की फैमिली एक ही अकेले घर में रहती थी और यूनाइटेड रहती थी, जो ताकि एक आदमी दूसरे पर डिपेंडेंट रह सके। अगर वो कुछ हो जाए उसको तो उसके आगे दूसरा वाला आदमी खड़ा रहे। इसलिए अब हमें नेशनल नंबर्स पे जाना पड़ेगा। और ये जो आपको नंबर सिस्टम दिख रहा है ये एकदम प्री डिज़ाइंड है। ये जब भी जिसने भी बनाया होगा, जिसने भी ये चीज़ बनाई, जिसने भी ये नंबर सिस्टम बनाया, उसने पहले से ही डिवाइड एंड रूल का कंसेप्ट लगाकर हमें मैथ्स में भी उसने डिवाइड एंड रूल दिखा दिया। अब ये चीज़ ये दर्शाती है हमें यूनाइटेड रहकर नेचुरल नंबर्स पे आना पड़ेगा। और ये टोटली प्री डिज़ाइंड है, क्योंकि नेचुरल नंबर से वो हमें डिवाइड करते जाते हैं होल नंबर तक, फिर होल नंबर से इंटीजर्स और माइनस करते जाते हैं फ्रैक्शन, फिर इंटीजर्स फ्रैक्शन और माइनस, फिर रेशनल नंबर तक फिर और माइनस करते जाते हैं। इसलिए इसका मतलब ये दर्शाता है जो फॉरनर्स थे वो डिवाइड एंड रूल ऐसे करते थे। इसलिए अब हमें यूनाइटेड रहना चाहिए, नेचुरल नंबर्स पे ही रहना चाहिए। 200 लोगों की फैमिली में एक साथ जुड़े रहना चाहिए, अलग नहीं रहना चाहिए, एक ही घर में रहना चाहिए। और एकदम जैसे नंबर सिस्टम है एकदम नेचुरल नंबर्स की तरह, जितने भी सारे नंबर हैं इनफाइनाइट तक एकदम एक साथ रहते हैं, वैसे ही हमें रहना चाहिए। लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसलिए बी यूनाइटेड, बी सेफ। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।